अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी है डेली व्लॉग यार, आज ये दो तीन डेली व्लॉग बन रहे हैं लगातार, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं, बन रहे हैं तो बनाते हैं। तो भाई आज की ये रूटीन है कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले उठे हैं और अभी अराउंड 9 बजे मेरे पास आज गाड़ी, आप देखते हैं शायद आपको चेंज लग रही है, सांटेड है, और इसको हमने पहले लेके जाना है वर्कशॉप। एक्चुअली इसके गियर में कोई इशू है तो हमने उन्हें वो रिजॉल्व करना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले मोहसिना के साइड पे, ये पड़ता है मोहसिना या कुछ इसके दरमियान ये पड़ेगा, और इंडस्ट्रियल एरिया आई थिंक। सो कौन सा ये 3 है, पता नहीं कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है। और अभी हम लोगों ने वहाँ पे 20-21 मिनट का रास्ता है, तो अभी हम लोगों ने ये गाड़ी लेके जानी है वहाँ पे, और मैकेनिक से बात वगैरह करके इसको देनी है। अगर ये गाड़ी दे दी हमने तो उसके बाद हम लोग आएंगे बस, मेट्रो या तो पब्लिक बस पे या मेट्रो ट्रेन पे या फिर टैक्सी पे, विल सी कि कौन सा इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है सॉरी। तो अच्छा, कल मुझे वैक्सीन लगी थी, अभी तक तो ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, बस बाजू में दर्द है, कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। और उसके बाद हमने वापस आना है इंटरनेशनल सिटी, अपनी गाड़ी उठानी है यारिस, क्योंकि आज कुछ दोस्त आ रहे हैं पाकिस्तान से, उनको पिक करना है, पेशावर से दुबई की फ़्लाइट है उनकी, 12:15 बजे लैंड करेगी, तो टर्मिनल 1 पर मेरे को जाना है। तो जस्ट देखे तो आई थिंक सो टाइम हो जाएगा कि थोड़ा बहुत बचेगा, तो विल सी, तो फिर जाके इनको एयरपोर्ट पर लेंगे। तो यार हम लोग गाड़ी दे चुके हैं वर्कशॉप में, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं बस का। यहाँ से बस सबसे नियर भी थी और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव भी थी, क्योंकि आपको पता है मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं गाड़ी नहीं चला सकता, सिर्फ मेरी वैन चला सकती है, तो हम लोगों को दो गाड़ी ला नहीं सकते थे हम। तो हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं बस पे, बस हमें पहले रोला पार्क, उसके बाद अबू शगारा, और एंड में हमें ड्रॉप करेगी सेंटर पॉइंट मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हमने दूसरी बस ले कर इंटरनेशनल सिटी चले जाएँगे। तो ये है हमारा रूट, लेट्स सी के कितना अच्छा होता है सफ़र। तो हम लोग बैठे हुए पब्लिक बस में, और यहाँ से जाने किंग स्पेशल, वो वाली बस नहीं आई, ये दूसरी बस है, तो किंग स्पेशल जाएंगे यहाँ से। तो उस बस ने हमें किंग स्पेशल उतार दिया था, और अब हम लोग दुबई वाली पब्लिक बस में बैठ चुके हैं, जो हमें यूनियन मेट्रो स्टेशन लेके जाएगी दुबई की। यस, जाएंगे और वहाँ से उसके बाद सेंटर पॉइंट से पब्लिक बस लेके इंटरनेशनल सिटी। पब्लिक बस वो इंटरनेशनल सिटी लेके जाएगी। तो हम लोग बैठे हुए हैं सेंटर पॉइंट के पब्लिक बस स्टेशन में, यहाँ से बस का वेट कर रहे हैं, जो कि अराउंड 10 मिनट्स में आएगी और वो हमें ले जाएगी इंटरनेशनल सिटी। तो क्या ये थी हमारी सवारी, हम लोगों ने इस गेट से जाना है, 9 गेट 9 से। हम लोग इंटरनेशनल सिटी वापस पहुंच चुके हैं और हमने मिस्टर टी भी ले ली है, तो वैसे 5-1 मिनट की वॉक है, और उसके बाद हम लोग गाड़ी निकाल के निकलेंगे एयरपोर्ट। तो हम लोग घर आ चुके हैं और बस हम लोगों ने पानी भी है और गाड़ी चाबी ली है, और हम लोग वापस निकल रहे हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 1। तो आइए चलते हैं एयरपोर्ट। यार अभी हो रहे हैं 12:27 और फ्लाइट लैंड कर चुकी है उनकी 12:15 पे, तो बट अभी कोरोना टेस्ट वगैरह है होगा उनका, फिर बैगेज क्लेम, इमिग्रेशन वगैरह सारा कुछ क्रॉस करने, तो टाइम हो जाएगा हमारा सिर्फ ओनली 18 मिनट्स का रास्ता है। तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी वापस एयरपोर्ट की तरफ, तो आई होप सो टाइम से पहुँच जाए।
सेटर पॉइंट स्टेशन के पास है, और इसके बाद टर्मिनल 3 आएगा पहले, उसके बाद टर्मिनल 1। टर्मिनल 3 पे सारी एमिरेट्स की से फ्लाइट्स आती हैं, और टर्मिनल 2 पे एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड है, लाइक और कोई फ्लाइट्स नहीं आ सकती उसमें, और कोई एयरलाइन नहीं आ सकती। और जो टर्मिनल 1 पे उसके अलावा एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के अलावा हर फ्लाइट टर्मिनल 1 पे ही आती है। जो टर्मिनल 3 है वो खास तौर पे एमिरेट्स के लिए डेडिकेटेड है, और टर्मिनल 2 पे फ्लाई दुबई और एमिरेट्स के लिए दोनों के लिए। ये सेंटर पॉइंट स्टेशन है जैसे अभी हम आ भी रहे हैं, और ये भी टर्मिनल 2 को यहाँ से एग्जिट जा रहा है। टर्मिनल 2 सबसे छोटा है, टर्मिनल 1 फिर उसके बाद आता है, और सबसे बड़ा फिर टर्मिनल 3 है, और सबसे खूबसूरत भी टर्मिनल 3 ही है। लेकिन ये टर्मिनल 2 पे ये फ़ायदा होता है, अभी लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान से आया था मैं फ्लाई दुबई से, तो मैं टर्मिनल 2 में मेरी फ़्लाइट आई थी, तो वो उसमें ये है ना वो छोटा सा है, तो आपके इमिग्रेशन कोरोना टेस्ट और ये सब बैगेज क्लेम बहुत जल्दी हो जाता है, लाइक आप फ़ौरन ही बाहर आ जाते हो। टर्मिनल 3 में तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत बड़ा है, आपको चलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, डिस्टेंस काफ़ी होता है अंदर। ये अभी आपको मैं अगर दिखा सकूँ तो ये सामने टर्मिनल 3 आ रहा है राइट साइड पे, वेट एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। सो ये रहा टर्मिनल 3, और ये एमिरेट्स के प्लेन्स खड़े हैं। सबसे खूबसूरत जो है ना वो टर्मिनल 3 ही है, जब अगर नज़र आ सके तो मैं आपको दिखाऊँगा। थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, बाकी कुछ ये सब पुल वगैरह की वजह से कलर वगैरह। तो ये रहे यार क्लियर व्यू ऑफ टर्मिनल 3। सामने एमिरेट्स का ऑफिस है, सारा जो भी इनके ऑपरेशन वगैरह, तीन का सबसे बड़ा ऑफिस है। ये जो आप सामने सारा देख रहे हैं ना, ये मेट्रो ट्रेन का पुल है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 3 बिल्कुल साथ साथ है, टर्मिनल 2 थोड़ा सा हट कर है। हाँ ये सीन है, पहले टर्मिनल 3 आएगा, उसके बाद टर्मिनल 3 आ चुके हैं, जैसे टर्मिनल 1 आने वाला है, और इसके बाद है ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए टर्मिनल 1, और इसके बाद आपका टर्मिनल 2 थोड़ा सा हट के आता है वैसे। पार्किंग में जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप इस तरह नहीं पिकअप कर सकते ना ड्रॉप कर सकते हो। ये देखें आप, अगर आप पढ़ सकें तो यहाँ पे इलीगल पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का 20,000 से 50,000 दिरहम तक जुर्माना है। तो ये है टर्मिनल 1 की पार्किंग का रास्ता जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे आप ख्याल रखना कि कभी भी आप कोई इलीगल पैसेंजर को ड्रॉप या पिक ना करें, यस, क्योंकि आपको हैवी फाइन हो सकता है। आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक शॉर्ट टर्म पार्किंग का और एक लॉन्ग टर्म। हम लोग लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म में सिर्फ जो है ड्रॉप ऑफ होते हैं, तो अभी हम लोग ये लाइक जा रहे हैं इसमें लॉन्ग टर्म पार्किंग में। ये है इनके पार्किंग चार्जेस, एक घंटे की लाइक 25 दिरहम्स की है पार्किंग। और ये स्लिप मिल चुकी है हमें पार्किंग की, हमें अंदर ही पे करना होगा क्योंकि आप पे मशीन अंदर है, तो आप इनको अंदर ही पे करते हो। और ये है पार्किंग, इस टाइम हम लोग डिपार्चर के सामने हैं, बट हमने अराइवल से जाना है। लाइक ये एयरपोर्ट ये नहीं है, समझना नहीं कि ये छोटा सा एयरपोर्ट है, ये सिर्फ रास्ता है जाने के लिए, एयरपोर्ट सामने है। इतना बुरा हाल भी नहीं है। मैंने वैसे अभी तक खुद टर्मिनल 1 से ट्रैवल नहीं किया, लेकिन ये है कि जो टर्मिनल 1 में लाइक आज मैं अभी फर्स्ट टाइम अंदर से देखने वाला हूँ, मैं टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 मैंने देखा था, क्योंकि काफ़ी अर्से तक टर्मिनल 1 बंद रहा था। तो हम लोग पहले जब मैं एयर ब्लू वगैरह पे आया तो मैं टर्मिनल 3 पे ही फ्लाइट आ रही थी, काफ़ी अर्से तक टर्मिनल 1 बंद रहा था। तो ये ड्राइवर्स आ चुके हैं, अब यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे। हम लोग इंदर आ चुके हैं, और ये रास्ते जहाँ से पार्किंग से आप एयरपोर्ट के लिए जाते हैं, मैंने गाड़ी वहाँ पे पार्क की है। ये रोड चल रही है और ये हम लोग इधर जा रहे हैं। सो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, और लेट्स सी, फ्लाइट तो काफ़ी देर से लैंड हुई है, लेकिन अभी तक हमने अपना इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया,
एक्चुअली इनका पहला पहला ट्रैवल है आई थिंक सो. हाँ पहला ट्रैवल है तो आई होप सो सब उनके जो है ना प्रोसेस स्मूथली गुजर जाए और वो आ चुके हैं बाहर. बट लेट्स सी. तो ये हम लोग बस अब अंदर जा रहे हैं एयरपोर्ट के. ड्राइवर्स नीचे हैं, लोग नीचे जाएंगे. तो ये है वेटिंग एरिया और हम देखते हैं कि आए हैं नहीं आए. लेट्स सी. तो अभी तक वेट कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं आए. काफ़ी टाइम मुझे जब फ्लाइट लैंड हुए फिर कहा जाना चाहिए था बट अभी तक नहीं आए तो वेट ही कर रहे हैं, देखते क्या बात करी. और अब मेरी तबीयत भी ख़राब होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि मुझे लग रहा है वैक्सीन जो है ना सर दिखा रही है हल्का हल्का जिसम में दर्द हो रहा है. तो लेट्स सी अल्लाह करे जल्द से आ जाए, लेकिन अभी तक तो कोई इशारा नज़र नहीं आ रहे. तो फाइनली यार वो लोग निकल आए हैं, काफ़ी देर हो गई फ्लाइट को बट आई डोंट नो क्या रीज़न थी. अराउंड 1.5 घंटा हो गया इनको फ्लाइट लैंड किए हुए, अभी वो आ रहे हैं वहाँ से. यस तो मिलते हैं, देखते हैं कि क्या रीज़न थी. तो ये भाई फाइनली आ चुके हैं, मंसूर भाई आपके लिए. ये देखो ये साहब पहुँच चुके हैं. वो कहते हैं ना तो माशाल्लाह बंदा भी ऐसा, ऊपर से इसके साथ सीन भी ऐसा. वो कह रहा जी मैंने नेट कनेक्ट कर लिया था लेकिन व्हाट्सएप नहीं चल रहा ना स्नैपचैट, सिर्फ व्हाट्सएप की कॉल चल रही है. ठीक कॉल तो जो पता है होती नहीं है और वाकई सब कुछ नहीं चल रहा. अब हालांकि मैं उसी नेट पे उसी वाईफाई में मैं भी बात कर रहा हूँ सब, ठीक है ना. और वो उसका दोस्त भी आ गए तो अब चलते हैं. हम लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और अब हम वापस जा रहे हैं लोकेशन पे जिधर उसको ड्रॉप करना है जो कि सिर्फ 11 मिनट दूर है. तो उसको वहाँ पर ड्रॉप करूँगा, उसके बाद वापस घर जाएँगे. अब तबीयत ख़राब हो रही है अपनी, सीधी सीधी बात है, आप पे फायदा असर कर रही है. तो ये हम लोग पहुँच गए हैं इसकी लोकेशन पर, हम लोग सामान उतार रहे हैं. जो जो खुश हो भाई, कैसा है? बहुत जबरदस्त जबरदस्त है. चलो गुड है. जो जो कैसा है मौसम? बहुत जबरदस्त. सर्दी हो रहा है? सर्दी हो रहा है. हाँ यार यहाँ सर्दी बहुत उड़ता है. पाकिस्तान अच्छा था या दुबई? दुबई सुकून है. दुबई सुकून है बहुत. चलो दुबई से बहुत सुकून है. चलो भाई गुड हो गया, अब इंजॉय करो, काम करो. ज़्यादा इंजॉय नहीं करना, काम भी करना. तो यार मैंने इसको शाहब को छोड़ दिया, शाहब नाम है इसका, ठीक है ना. इसको जो जो इसका कोई निक नेम है, शाहब को हम लोगों ने छोड़ दिया घर पे इसके मामू के पास. तो और अब हम लोग जा रहे हैं वापस अलतवार वाली साइड, तकरीबन पड़ती है अलतवार या देरा का कुसेस, मतलब ये सेंटर में लोकेशन में पड़ती थी, ठीक है ना. तो अब हम वापस जा रहे हैं इंटरनेशनल सिटी. तो ये था अच्छा कुछ सीन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ करना है वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.